ये है भारत के वो पांच सबसे बड़े मदरसे जिनमें करोड़ों लोग शिक्षा हासिल करते हैं। ये मदरसे क्षेत्रफल और निर्माण कला का अद्भुत नमूना है। इन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन शिक्षण संस्थानों में जगह दी जा चुकी है। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं जहां से लोग इनमें पढ़ने ना आते हों। इन सभी मदरसों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जा चुका है। भारत के पांच सबसे बड़े मदरसों की लिस्ट में पहला नाम दारुल उलूम देवबंद का आता है। यूपी में बना दारुल उलूम देवबंद भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा मदरसा है। इस मदरसे में दुनिया भर से लोग पढ़ने आते हैं। भारत की आजादी में इस मदरसे का बड़ा योगदान रहा। 70 एकड़ में फैला ये मदरसा आज पूरे भारत को अपनी गौरव गाथा सुना रहा है। ये भारत का एकमात्र मदरसा है जहां पर सबसे बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है। दारुल उलूम देवबंद की स्थापना मौलाना कासिम नानोतवी ने 30 मई 1866 को देवबंद में की थी। इस मदरसे ने भारत को सबसे बड़े वैज्ञानिक और राजनेता दिए। 20वीं सदी के अधिकतर राजनेता दारुल उलूम देवबंद की विचारधारा से प्रभावित थे। दारुल उलूम देवबंद से जुड़कर काम करने वाले मदरसों की संख्या 3000 से अधिक है। दारुल उलूम देवबंद में एशिया के सबसे बड़े इस्लामिक इंट्रेंस एग्जाम का आयोजन किया जाता है। इस एग्जाम में हर साल 20,000 से अधिक छात्र शामिल होते हैं। दारुल उलूम देवबंद में हजारों लोग रहकर शिक्षा हासिल करते हैं। इस मदरसे में हर साल करोड़ों रुपये खर्च होते हैं और इसका पूरा खर्च मुसलमान उठाते हैं। भारत के पांच सबसे बड़े मदरसों की लिस्ट में दूसरा नाम दारुल उलूम नदवा का आता है। इसकी स्थापना 1893 में मोहम्मद अली मुंगेरी ने की थी। इस मदरसे की स्थापना में मौलाना महमूदुल हसन और मौलाना अशरफ अली थानवी का बड़ा योगदान रहा। ये भारत का अकेला मदरसा है जहां पर शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी एक छत के नीचे तालीम हासिल करते हैं। इस मदरसे में तालीम हासिल करने वाले छात्रों की संख्या 10,000 से अधिक है। आजादी के महान नायक मौलाना शिबली नौमानी और अबुल कलाम आजाद दारुल उलूम के संरक्षकों में से थे। दारुल उलूम नदवा की पूरे भारत में 200 से अधिक शाखाएं मौजूद हैं। इससे जुड़कर काम करने वाले मदरसे मदरसा उस्मानिया शेरापुर महमूदाबाद का नाम आज पूरे भारत में सुना जाता है। लखनऊ में बना दारुल नदवा आज भारत का सबसे प्रतिष्ठित मदरसा बन चुका है। दारुल उलूम नदवा के पहले वाइस चांसलर मौलाना अली मियां नदवी थे। इन्होंने ही 1993 में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। ये भारत की पहली अल्पसंख्यक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसमें 15,000 से अधिक छात्र शिक्षा हासिल कर रहे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि मौलाना अली मियां नदवी मौलाना साद के पहले उस्ताद थे। उन्हें इस्लाम की तबलीग के लिए किंग फैसल और सुल्तान ब्रुनेई अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत के पांच सबसे बड़े मदरसों की लिस्ट में तीसरा नाम जामिया इशातुल उलूम का आता है। इस मदरसे में 2,00,000 से अधिक छात्र तालीम हासिल करते हैं। ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मदरसा है। जामिया इशातुल उलूम की स्थापना 1979 में मौलाना गुलाम मोहम्मद उस्तानवी ने की थी। ये भारत का अकेला मदरसा है जहां पर आईआईटी और पॉलिटेक्निक की शिक्षा दी जाती है। इसके पूरे भारत में 80 से अधिक स्कूल और कॉलेज चलते हैं। 172 एकड़ में फैले इस मदरसे को भारत का सबसे आधुनिक मदरसा भी कहा जाता है। जामिया इशातुल उलूम की देखरेख पर हर साल करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। इस मदरसे के कई हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज भी हैं, जहां पर लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाता है। 6 बच्चों के साथ एक झोपड़ी में शुरू हुआ ये मदरसा आज भारत की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों को मात दे रहा है। इसे भारत सरकार द्वारा कई अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस मदरसे के द्वारा महाराष्ट्र में 5,000 से अधिक मस्जिदों और 1,700 से अधिक मकतबों का निर्माण किया गया। इसके 3 यूनानी मेडिकल कॉलेज भी हैं। मौलाना उस्तानवी ने खुद पूरे भारत में 5,000 से अधिक मस्जिदों का निर्माण करवाया।
भारत के 5 सबसे बड़े मदरसों की लिस्ट में चौथा नाम मदरसा शाही मुरादाबाद का आता है। इसकी स्थापना 1879 में स्थानीय मुसलमानों ने की थी। दारुल उलूम देवबंद की स्थापना करने वाले मौलाना कासिम नानोतवी इस मदरसे के सरपरस्त थे। आजादी के दशकों पहले स्थापित हुआ ये मदरसा आज मुरादाबाद की पहचान बन चुका है। इस मदरसे ने भारत की आजादी में निर्णायक भूमिका निभाई। मदरसा शाही की स्थापना मुरादाबाद के गरीब बच्चों को तालीम देने के लिए की गई थी। यही वजह है कि इसका नाम मदरसतुल गुरबा था, जिसे बाद में मदरसा शाही कर दिया गया। इसके पहले प्रिंसिपल अहमद हसन अमरोही थे। ये भारत के मशहूर स्वतंत्रता सेनानी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की के शागिर्दों में से थे। मौलाना अहमद हसन ने दारुल उलूम देवबंद में ही तालीम हासिल की थी। आजादी के महान नायक और जमीयत उलमा हिंद के पहले अध्यक्ष किफायतुल्ला देहलवी इसी मदरसे के छात्र थे। पाकिस्तानी चीफ मिनिस्टर मुफ्ती महमूद ने इसी मदरसे में तालीम हासिल की थी। रशीद अहमद गंगोही और महमूदुल हसन इस मदरसे के संरक्षकों में से थे। ये भारत के उन चुनिंदा मदरसों में से है जिसने आज तक कोई सरकारी मदद नहीं ली। भारत के 5 सबसे बड़े मदरसों की लिस्ट में पांचवा नाम जामिया इस्लामिया तालीमुद्दीन का आता है। इसे गुजरात का सबसे बड़ा मदरसा भी कहा जाता है। 16 एकड़ में फैले इस मदरसे ने गुजरात में इस्लाम को फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई। इस मदरसे में 1000 से अधिक छात्र रहकर तालीम हासिल करते हैं। गुजरात के ढाबेल में बने इस मदरसे की स्थापना मौलाना अहमद मियां लाजपुरी ने 1908 में की थी। इस मदरसे में अनवर शाह कश्मीरी और मोहम्मद यूसुफ बिनूरी जैसे आलिमों ने कई सालों तक अपनी सेवाएं दी। ये वही मौलाना यूसुफ बिनूरी थे जिनके नाम पर पाकिस्तान में कई शहर बसाए गए। जामिया इस्लामिया तालीमुद्दीन का सालाना बजट 5 करोड़ से अधिक है। इस मदरसे के जरिए अब तक 1 लाख से अधिक फतवे दिए जा चुके हैं। मदरसा तालीमुद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन सब के अलावा भारत में ऐसे बहुत से मदरसे मौजूद हैं जिनकी स्थापना मुसलमानों ने की थी। मुसलमानों द्वारा स्थापित किए गए मदरसों से आज करोड़ों लोग फायदा उठा रहे हैं। ये मदरसे आज भी मुसलमानों के गौरव का प्रतीक माने जाते हैं। इनमें से किस मदरसे ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं।